ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। और जो राज्य और जो शहर पुरानी बसों को स्क्रैप करने के लिए शहरों को अतिरिक्त बसें एलोकेट की जाएंगी। मान लीजिए कोई एक शहर है, जलंधर ही है, अब वो पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अपनी जमीन कहीं उपलब्ध कराते हैं तो उसको अतिरिक्त बसें उस शहर के लिए दी जाएंगी। अब ये बसों का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ये पीपीपी मोड पर किया जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ सकते हैं। इसके लिए प्रति किलोमीटर परिचालन के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो जो भी पीपीपी मोड पर आएगा उसको प्रति किलोमीटर के आधार पर चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी और यह सहायता अगले 10 साल तक मिलती रहेगी। ये स्कीम सन 2037 तक चलेगी। मान लीजिए कोई बस 2025 में शुरू होती है तो 2035 तक उसको उसका लाभ मिलता रहेगा। और पर किलोमीटर देय राशि जो है ये भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा ही चयन का पैरामीटर इस पर रखा गया है। ये जो 57,613 करोड़ रुपये पूरे कुल पीएम ई बस सेवा पर खर्च होंगे, ये 57,613 करोड़ रुपये 2037 तक खर्च होंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, शेष राशि जो है वो राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। जैसे बस सेवा के संचालन के लिए इन शहरों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जैसा कि बस डिपो है या अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, जो डिपो है कुछ नए निर्माण होंगे, कुछ की अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवा